आपका हमारे YouTube चैनल रेसिपी सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। देखिए, आज हम आपको सी टेट क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ 18 सितंबर 2016 का मैथमेटिक्स का पोर्शन हल कराने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 47 तक हो चुके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और चार दहाई तथा पांच दहाई के बीच में, 40 और 50 के बीच में, इसके दहाई का अंक इकाई के अंक से एक कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 7 हो तो अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48। तो मान लीजिए, माना दहाई के अंक से, तो दहाई का अंक एक्स मान लीजिए, माना दहाई का अंक एक्स है, तब इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है, एक्स माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। इसलिए तथा इनका जोड़, अंकों का जोड़, दोनों को जोड़िए, एक्स एक्स माइनस वन कितने के इक्वल है? सेवन। ये हो जाएगा एक्स और एक्स टू एक्स, वन बराबर से उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो टू एक्स इज इक्वल टू एट। तो एक्स कितना जाएगा? एट अपॉन टू कितना जाएगा? फोर। तो ये आपका एक्स आ चुका, दहाई का अंक आ चुका, इसलिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा इससे एक कम? कितना हो जाएगा? तीन। इसलिए संख्या, संख्या बताइए, संख्या में पहले आपको इकाई का अंक लिखना होता है, फिर दहाई का। ये आपकी संख्या आ जाएगी 43, 40 और 50 के बीच में, इसलिए अंकों का गुणनफल। तो इनकी गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा? 12। इस संख्या के अंकों का गुणनफल आपको निकालना है, कितना जाएगा? 42। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है, जिनमें से दो तिहाई लड़के और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के तीन चौथाई खिलाड़ी है, तो जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 360। इसलिए लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 360 का दो तिहाई, 2/3, 3 से काट दीजिए तो 120 आ जाएगा, और 120 की 2 में गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 240। इसलिए लड़के बताइए कितने हो जाएंगे? 360 में से लड़कियां घटा दीजिए तो लड़के आ चुके हैं आपके पास 120। तो 360 में 120 क्या है? लड़के। खिलाड़ी, अब खिलाड़ी निकालिए, खिलाड़ी कितने हैं? लड़कों का तीन चौथाई, लड़कों का तीन चौथाई, 4 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 30, और 30 की 3 में गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 90। तो 120 लड़कों में 90 खिलाड़ी है। अब आपको उन लड़कों की संख्या बतानी है जो खिलाड़ी नहीं है, इसलिए जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, तो 120 में से 90 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा ये? 30। तो 30 लड़के ऐसे हैं, 30 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। हरीश ने एक स्कूटर रुपये 49,553 रुपये में खरीदा। उसने 8,076 रुपये का नकद भुगतान किया और शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर जारी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है? कितने में खरीदा? रुपये 49,553। नकद भुगतान कितना? 8,076।
76 रुपये। इसलिए कितना शेष बचा, शेष निकालिए 49,553 में से 8,076 घटा दीजिए, और इसको घटाने के बाद यह आ जाएगा आपके पास 41,477, 41,477 रुपये। अब इसको 37 बराबर किस्तों में आपको अदा करना है, या फिर इसको अदा करना है, तो इसलिए किस्त का मूल्य, एक किस्त कितने की होगी, तो इसको 37 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 41,477 डिवाइड बाय 37। तो इस जब आप इसको इससे भाग देते हो, ये भाग देने के बाद आ जाएगा आपका 1,121 रुपये। तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी, 1,121 रुपये की होगी। बहुत ही आसान पोर्शन आता है मैथमेटिक्स का, केवल आपको जोड़ घटा गुणा भाग करना होता है और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, देखिए 51 में क्या गिवेन है आपको। 51, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची, तो यात्रा में लगा समय था, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, 13:15 तक, शनिवार से शुक्रवार से शनिवार, शुक्रवार को चली और शनिवार को पहुंची, 13 से 13:15 तक कितना हो जाएगा, 12 घंटे। अब 13:15 का मतलब होता है 1:15, तो किस टाइम रेलगाड़ी पहुंची बंगलुरु, 7:30, तो कितना टाइम और चाहिए, 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट ये हो जाएंगे आपके 7:30। तो इनका टोटल कर दीजिए, ये हो जाएगा 18 घंटे 15 मिनट। तो कितना टाइम लगा रेलगाड़ी को हैदराबाद से बंगलुरु तक पहुंचने में, 18 घंटे 15 मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 52, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के, ये आपको बताना है। 6 घंटे 8 घंटे 4 घंटे और 5 घंटे। 52, तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या बनाइए, 15 दिन बराबर 15 गुना 60, 24 से गुना कर दीजिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कीजिए, 3 5 15, 2 2 4 2 8 या 24 गुना 60, तो 4 3 12 5 60। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इनको अलग लिख लीजिए, 3 2 6, 4 3 12 5 60 गुना 60, इतने मिनट, या आप जो है 15 दिन के मिनट बना चुके। अब ध्यान से देखिए, अब आपको घंटों के सेकंड बनाने हैं, 6 घंटे के बनाइए फर्स्ट पार्ट में, 6 घंटे हो जाएंगे आपके, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो देखो ये मैच कर चुका। तो 6 घंटे में सेकंडों की संख्या 15 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 घंटे, 6 घंटे में सेकंडों की संख्या 15 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, संतरे के 15 लीटर, 286 मिलीलीटर, गाजर के 19 लीटर, 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है, इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 ml 250 मिलीलीटर जूस आता हो, तो बोतलों की संख्या बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53, संतरे का जूस बताइए कितना है, संतरे का जूस है 15 लीटर, 280 286 मिलीलीटर,
गाजर का जूस बताइए कितना है। गाजर का जूस कितना है? 19 लीटर और 714 मिलीलीटर। तो कुल मिश्रण इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा कुल मिश्रण? कुल मिश्रण कितना हो जाएगा जोड़िए? 1 लीटर ये हो जाएगा और 34 ये, टोटल कितना हो जाएगा? 35 लीटर। तो ये आपका कुल मिश्रण आ चुका। तो कितना यूज किया है इसमें से वो देखिए, 12 लीटर और 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। तो शेष मिश्रण बताइए, शेष मिश्रण कितना हो जाएगा? 35 में से 12 पॉइंट ये घटा दीजिए, 750, 12.750, क्योंकि इतना यूज कर चुके इतने में से। तो कितना बच जाएगा आपके पास? ये बच जाएगा 22.250 इतने लीटर, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीलीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो यह आ जाएगा 22,250 मिलीलीटर। अब इसको आपको बोतलों में भरना है, और एक बोतल में कितना जूस आता है? 250 ml। इसलिए बोतलों की संख्या तो निकालिए। तो आपका ये 22,250 है, इसको 250 से डिवाइड कर दीजिए, 25 8 225, नहीं मैं 225, तो कितना आ जाएगा? 89। दोबारा से देखिए, संतरे का जूस आपके पास 15 लीटर, 286 मिलीलीटर। गाजर का जूस, इन दोनों को मिला लीजिए, कुल मिश्रण कितना हो जाएगा? 35 लीटर। इसमें से इतना आप यूज कर चुके, तो कितना बचा आपके पास? 22.250 इतने लीटर। अब इसको मिलीलीटर में बना लीजिए 1000 से मल्टीप्लाई करके, और आपको इसको बोतलों में भरना है। और किस प्रकार की बोतल है? एक बोतल में 250 ml आता है, तो इसको 250 से डिवाइड कर दीजिए, बोतलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 54, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खरबूजा 18 रुपये 50 पैसे, चेरी 72 रुपये किलो, अंगूर 120 रुपये 60 पैसे, और सेब है आपका 78 रुपये 40 पैसे प्रति किलो। रेस माने 4 से 1/2 किलोग्राम खरबूजा, 1 किलोग्राम 200 ग्राम, 1 किलोग्राम और 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर, और 1 से 3/4 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपये वापस मिले, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 54। तो खरबूजा देखिए कितना खरीदा उसने, खरबूजे का मूल्य क्या रेट है? 4.5 किलो खरीदा, किस रेट से? 18 रुपये 50 पैसे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 83 रुपये 25 पैसे। चेरी का मूल्य बताइए, चेरी कितनी खरीदी उसने? 1.2 kg, 1 किलो 200 ग्राम। जब आप इसको केजी में चेंज करते हो तो कितना आ जाएगा? 1.2 kg, और 72 रुपये किलो है, तो कितने का हो जाएगा ये? 86 रुपये 40 पैसे। नेक्स्ट देखिए अंगूर का मूल्य, अंगूर कितना खरीदा? 250 ग्राम, 0.25, 250 ग्राम के जो है केजी बना लीजिए 1000 से डिवाइड करके, तो ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। पर केजी का मूल्य कितना है? 120 रुपये 60 पैसे, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 30 रुपये 15 पैसे। उसके बाद क्या खरीदा? सेब का मूल्य बताइए, सेब का मूल्य हो जाएगा आपके पास 1 सही 3/4, तो ये आ जाएगा 1.750 मल्टीप्लाई
78 रुपये 40 पैसे प्रति किलो, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 137 रुपये 20 पैसे। थोड़ा आप कैलकुलेशन आपको खुद करना है वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कुल मूल्य टोटल टोटल कीजिए इन सभी का, देखिए कितने का सामान खरीदा, इन सभी को ऐड कर लीजिए, तो ये जोड़ने के बाद आ जाएगा आपके पास 337 रुपये। इसलिए शेष शेष कितना हो जाएगा, 500 का नोट दिया, 337 का आपने सामान खरीदा, तो कितने बचे आपके जो है दुकानदार के पास 163 रुपये, ये उत्तर आ जाएगा। आपने 337 रुपये का सामान खरीदा, 500 का नोट दिया, तो 500 में से 337 घटा दीजिए, 163 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर है, तो दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर और 0.25 मीटर है, तो साबुन की टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है वो आपको बताना है। दो पेटियों में कितनी टिकिया आ सकती है, तो देखिए आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, आपको बताना है साबुनों की संख्या एक पेटी में निकाल लीजिए पहले। तो पेटी में साबुनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, पेटी का आयतन बटे एक साबुन का आयतन, पेटी किस आकार की होती है, घनाभ के आकार की, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई कितनी है पेटी की 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 0.25 मीटर, इसमें भी जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना जाएगा ये 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद 25 सेंटीमीटर, तो आपने मीटर का सेंटीमीटर बना लिया यहाँ पर, तो लिख दीजिए 25। नीचे साबुन भी आपके घनाभ के आकार की है, इसका भी आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 7 × 5 × 2.5, तो डेसिमल हटाइए 0 काट दीजिए, 10 आ जाएगा, 5 × 8 = 40 हो जाएगा और 7 × 8 = 56 हो जाएगा, 8 × 8 = 64 और 10 में मल्टीप्लाई होने के बाद 640, तो एक पेटी में 640 साबुन आ सकती है, इसलिए दो पेटी में डबल हो जाएंगी, दो पेटियों में साबुनों की संख्या, तो 640 × 2 तो ये हो जाएगा 1280, ये आ चुका आपका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, देखिए पढ़िए आपकी स्क्रीन पर है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब ये आपको ऑप्शन गिवन है, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56, वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 है, तो मान लीजिए, माना वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, इसलिए परिमाप निकालिए, परिमाप क्या होता है 4 × भुजा, ये वर्ग का परिमाप होता है, कितने के बराबर है 72,
चार ए बराबर 72, चार से काट दीजिए, चार कम चार और चार अठे 32, कितना जाएगा, ए आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये जो है आपकी वर्ग की भुजा आ चुकी, आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, इसलिए चौड़ाई, आयत की चौड़ाई निकालिए, चौड़ाई कितनी है, इसका आधा, वर्ग की भुजा का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, इसलिए लंबाई, लंबाई निकालिए, लंबाई कितनी है, चौड़ाई की 3 गुनी, तो 27 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई आ चुकी, इसलिए परिमाप निकालिए, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है 27 और चौड़ाई कितनी है 9, तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का डबल 72 सेंटीमीटर, जो कि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है आपका, देखिए ऑप्शन फर्स्ट से हो जाएगा, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। क्वेश्चन नंबर 57 काफ़ी अच्छा है, ध्यान से देखिए, निम्न लिखित में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पहला दिया है आपको, आपका ये 57 है, 2005 ग्राम, तो इसको केजी में चेंज कीजिए, ये आपको दिया है 2.005 केजी। अब आपको ये देखना है सही है नहीं, 2005 डिवाइड बाय 1000, तो किस में चेंज हो जाएगा, केजी में, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, 2.005 केजी। ये तो आपका ऑप्शन सही है, बी पर आ जाइए, कहीं भी आपको ग्राम को केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए एक घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बराबर है उस घन के आयतन के जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। तो निकालिए पहले घनाभ का आयतन निकालिए, इसलिए आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन रिपीटेड क्वेश्चन है, एल गुना बी गुना एच, साबुन की टिकिया वाला आपका क्वेश्चन सेम था, तो कितना हो जाएगा 45 गुना 15 गुना 40, तो कीजिए मल्टीप्लाई, 45 15 चौके 60, 600 हो जाएगा, तो गुना कीजिए 0 0 6 5 30 की 0 6 24 और 3 27, इतने घन सेंटीमीटर, ये आपका घनाभ का आयतन आ चुका, इसलिए वह घन का आयतन निकालिए, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, और भुजा कितनी गिवन है आपको 0.3 मीटर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, जीरो करिए इसको हल करिए, 0.3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 9 होती है 27, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, इतने मीटर के क्यूब। अब आपको इसका जो है सेंटीमीटर के क्यूब बनाना है, तो सॉरी 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर के क्यूब में, 3 जीरो से तो डेसिमल हट जाएगा और ये आ जाएगा 2700 सेंटीमीटर के क्यूब, ये आपका आंसर आ चुका, तो यह भी आपका ऑप्शन सही है। सी पार्ट पर आ जाइए, सी पार्ट में क्या गिवन है आपको, 10 का शतांश 0.1, तो देखिए शतांश का मतलब होता है 100वां हिस्सा, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए और 1 को 10 से डिवाइड करते हो, तो यह भी आपका ऑप्शन सही है। डी पर आ जाइए, 55 लीटर और 55 मिलीलीटर, यह आपको दिया हुआ है 5.55 लीटर। तो देखिए प्लस इसको 1000 से डिवाइड कीजिए, ये भी किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में, तो ये आ जाएगा 55.055, इतने लीटर, तो आपका ऑप्शन डी गलत है,
यहाँ पर दिया है 55.55 और यहाँ पर आता है 55.055, तो आपका ऑप्शन डी गलत है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 57। ये आपके यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें से ख़त्म होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।